हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति, आज आप लोगों को अपने गार्डन की बहुत ही प्यारी प्यारी बास्केट दिखाती हूँ फ्रेंड, जो लटकी रहती हैं तो गार्डन में चार चांद लगा देती हैं फ्रेंड। ये देखिए, मैक्सिकन पिटूनिया के फ्लावर्स मेरे गार्डन में बहुत ही प्यारे से निकले हुए हैं। और ये देखिए फ्रेंड, येलो कलर के पोचुला में भी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। आज सुबह सुबह मैं वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, ये चेन प्लांट की बास्केट है। ये देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही प्यारी लगती है गार्डन में। इस प्लांट को आप गार्डन में ज़रूर ऐड करें बास्केट में। ये देखिए इस तरीके से इसके नीचे ये चेन की तरह छोटे छोटे बेबीज लटकते हैं। और फ्रेंड, ये भी चाइनीज़ वॉलेट का प्लांट है फ्रेंड, ये भी बास्केट में लगा हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। इसको भी आप बास्केट में ज़रूर लगाएं, ये आपके गार्डन में बहुत ही प्यारी बास्केट लगती हैं। और फ्रेंड ये देखिए, ये ट्रायंगल ऑफ हार्ट की बास्केट है। और फ्रेंड ये देखिए, ये नीचे की जो तरफ जब ट्रेल करती है बहुत ही खूबसूरत लगती है फ्रेंड। ये सब ऐसी बास्केट हैं जो पूरा साल आपके गार्डन में बनी रहेंगी, और ये थोड़े टाइम के लिए जब सर्दियां आती हैं तो रेस्ट पीरियड पे चले जाते हैं। जैसे ही फरवरी आती है फ्रेंड, ये सब अपने आप ही बहुत अच्छी तरीके से हरे भरे एकदम से हो जाती हैं। और फ्रेंड, ये पर्पल हार्ट की बास्केट भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए फ्रेंड। इस पर्पल हार्ट के में बहुत ही प्यारे प्यारे से ये देखिए पर्पल कलर के फूल निकलते हैं, ये भी बड़े अच्छी बास्केट लगेगी। और फ्रेंड, जब फूल खिलते हैं तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और फ्रेंड, ये है बॉलबेन जू की बास्केट फ्रेंड, इसको भी आप बास्केट में लगाइए। ये देखिए, ये दूर से इतनी प्यारी लगती है टंगी हुई आपके गार्डन में। इस प्लांट को भी देखते ही आपके गार्डन में मन खुश हो जाता है। ये सब बास्केट में लगे हुए बड़े प्यारे लगते हैं। और फ्रेंड, ये है लालसा का प्लांट, इसको भी आप बास्केट में लगाइए। और ये जब नीचे की तरफ लटकता है लाल लाल पत्ते तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है। मैंने बोतल में लगाया हुआ है और ये एकदम से बास्केट की तरह लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड, ये है टर्टल माइन, ये देखिए इसकी बास्केट बनी हुई है। ये देखिए कितनी फ्रेंड इसकी लंबाई हो गई है। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, ये देखिए ये कितनी अच्छी बास्केट लग रही है फ्रेंड। जब ये चारों तरफ गार्डन में लगती हैं तो ये गार्डन में चार चांद लगा देती हैं ये सब बास्केट। ये देखिए फ्रेंड, ये पोचुला की बास्केट बनी हुई है। ये देखिए ये भी कितनी अच्छी लग रही है। आज थोड़ा सा इसमें फूल कम खिले हैं, वरना इसके अंदर जब फूल खिलते हैं तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखिए, इसको भी आप लगाइए बास्केट में। और ये देखिए फ्रेंड, नैनो क्लॉक वाइट कलर का बास्केट में लगा हुआ है ये भी। ये देखिए ये फ्रेंड, ये थोड़े दिनों के लिए सर्दियों में रेस्ट पीरियड पे चली जाती हैं ये सब बास्केट। मैं इनको ऐसे ही रख देती हूँ और जैसे ही फरवरी वगैरह का महीना शुरू होता है तो इनमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। ये देखिए स्वीट पोटैटो वाइन की बास्केट। और फ्रेंड देखिए, मैंने एक ही बास्केट में एक ये वाला कलर लगा रखा है और एक ये ग्रीन कलर लगा रखा है, और फ्रेंड मैंने एक ये कलर लगा रखा है फ्रेंड। ये भी एक बहुत ही प्यारी सी बास्केट लगती है बनी हुई। ये देखिए फ्रेंड, बेबी सनरोज की बास्केट। ये देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही एक
प्यारा सा प्लांट है, इसके अंदर छोटे छोटे से रेड कलर के फूल खिलते हैं। फ्रेंड इसकी बास्केट भी बड़ी अच्छी लगती है आपके गार्डन में। ये देखिए फ्रेंड, फ्रेंड ये मेरे पास दो बास्केट मैंने तैयार की हुई हैं। ये देखिए, आप इसको भी अपने गार्डन में बास्केट में ज़रूर लगाइए। और ये देखिए फ्रेंड, ये नीचे ये बास्केट बनी हुई है मेरी ट्रायंगल ऑफ हार्ट की। ये देखिए, ये नीचे की तरफ ट्रेल करती है। और फ्रेंड ये एक एस्पैरगस को मैंने छोटे से गमले में 10 रुपए के गमले में लगाया हुआ है, और ये एकदम से बास्केट की तरह लग रहा है। और फ्रेंड ये देखिए, ये है स्पाइडर प्लांट। ये देखिए, ये जब आपके गार्डन में झूलती हैं तो आपके गार्डन में चारों तरफ चार चांद लग जाते हैं। फ्रेंड आप इन सब बास्केट को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करिए। और फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फ्रेंड थैंक यू, फ्रेंड बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।